हेलो पोकी फैंस, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार नए ग्लेजिंग से पोकेमॉन ग्लेज एपिसोड के अंदर। आज के एपिसोड में कुछ एक्स्ट्रा चीजें शुरू करने वाले हम लोग सैनिटी आइलैंड की तरफ, क्योंकि यहाँ पे जिम है, एक लाइट हाउस भी है। और लाइट हाउस के अंदर चैलेंज करने से पहले हम लोग पोकेमॉन के लेवल को चेकआउट कर लेते हैं। बहुत ही कम लेवल के है ना, तो उनको थोड़ा सा ट्रेनिंग करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो हम लोग ट्रेनिंग जरूर करेंगे इन पोकेमॉन्स को, लेकिन ट्रेनिंग करने के लिए हम लोग को थोड़ी सी ग्रास की जरूरत लगेगी, कि पानी के अंदर हम लोग फिलहाल जा नहीं सकते क्योंकि सर्फ अटैक तो है नहीं। तो देखते हैं कैसे हम लोग कवर करेंगे इस ट्रेनिंग का पूरा गैप, मतलब जो लेवल का गैप है उसको हम लोग कैसे फिलअप करते हैं। आज का एपिसोड अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कर देना जरूर, और सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अगर आपने पिछले एपिसोड्स को चेकआउट नहीं किया है, ऑसम सी जर्नी इस पोकेमॉन ग्लेज के अंदर, जरूर चेकआउट कर सकते हो। उसका गेम प्ले का जो लिंक है प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, वहां पे क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हो। उसके साथ साथ मल्टीपल पोकेमॉन गेम्स भी खेलता रहता हूं, उसके साथ साथ अलग गेम्स भी खेलता रहता हूं। तो सारों की जो लिंक है गेम प्ले की वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, जरूर उनको भी चेकआउट कर सकते हो। अभी हम लोग जा सकते हैं जिम लीडर के पास, क्योंकि वही हमारी हेल्प कर सकता है ट्रेनिंग करने के लिए। तो सीधा चैलेंज करेंगे हम लोग जिम लीडर के प्यादों को, और देखते हैं कि हम लोग इस जिम लीडर को चैलेंज करके जीत पाते हैं कि नहीं जीत पाते, क्योंकि लास्ट वाला जिम लीडर देखा जाए तो थोड़ा सा टफ था, और मेरे चैम के जो लेवल है वो भी थोड़े से या बोल सकता हूँ ज़्यादा ही कम है। उसका शैंश रू प्यादों का शैंश रू 23 लेवल का, मेरा तो 17 लेवल का चैम्प है। मास्टॉम भी 22 लेवल का है। तो यहाँ पे थोड़ी सी हीलिंग प्रोसेस जरूर होने वाली है, मतलब बैटल करके हीलिंग पड़ सकती है हम लोगों को, जिस हिसाब से हम लोग को लेवल इंक्रीमेंट करने हैं। और देखते हैं कि हम जिम लीडर को हरा पाते या नहीं हरा पाते। तो यहाँ पे हम लोग ने एक प्यादों को तो ज़रूर हरा दिया है। अभी हम लोग को शायद से जाना पड़ सकता है बैक, लेकिन हम लोग पहले मास्टॉम को रखेंगे, क्योंकि ये जो जिम है वो स्पेशलिस्ट है इन अ ग्राउंड टाइप पोकेमॉन, और इसके लिए मैंने कुछ चीज़ों को रखा हुआ था। अभी एक्सपीरियंस शेयर हम लोग चैम्प को देने वाले, क्योंकि चैम्प के लेवल इंक्रीमेंट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फिलहाल मेरे लिए। एटलीस्ट चैम्प लाइट हाउस के बैटल्स के अंदर एटलीस्ट वो 25 पे पहुंच जाए तो भी बड़ी बात होगी। मास्टॉम भी अच्छा खासा 30 पे पहुंच जाना चाहिए, और डिट्टो और पॉरीगॉन से मैं फिलहाल लेवल इंक्रीमेंट की इतनी ज़्यादा कोशिश नहीं करने वाला। तो देखते हैं, यहाँ पे हम लोग स्टार्टिंग में ग्लाइगर दिखने वाला है, तो ग्लाइगर को हराने के लिए हम लोग वाटर गन पे मार्टर गन मारने की कोशिश करेंगे। वैसे एक अच्छा वाटर टाइप अटैक चाहिए हम लोगों को, तो वाटर गन से इतना ज़्यादा इंपैक्ट नहीं गिर रहा, आपको भी दिख रहा है ये चीज़। लेकिन हमारा जो चैंप है वो चला गया है लेवल 18 के ऊपर। तो यहाँ पे थंडर बोल्ट है हमारे पास, तो थंडर बोल्ट बाद में मैं किसी और को भी सिखा सकता हूँ। मुझे पता है पोकेमॉन, मेरे पोकेमॉन्स के अंदर कौन सा ऐसा बंदा है जो थंडर बोल्ट करने वाला है। यहाँ पे पॉइजन जरूर हो चुका है, तो हम लोग जाएंगे सीधा पोकेमॉन सेंटर के अंदर, हील कर लेंगे हमारे पोकेमॉन्स को, और फिर से एक बार रेडी लगाएंगे जिम लीडर के पास, क्योंकि अभी तक बहुत ज़्यादा प्यादों की बैटल बची है, और जिम लीडर मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट 30 टच कर देगा। अगर प्यादे ऑलमोस्ट इतना टच कर रहे हैं, 23, 24, 22, 21, 25 भी रहेगा शायद से कोई, और उस हिसाब से मुझे लगता है कि जिम लीडर भी 30 टच कर देगा। तो थोड़ी सी टफ बैटल ज़रूर होगी, लेकिन ऐसा ग्राउंड टाइप और हमारे पास है मास्टॉम तो लगता तो नहीं है। सीधा बैटल करने के लिए चलते हैं। अभी हम लोग को इस लैडर के ऊपर से जाना पड़ेगा, और यहाँ पे एक ट्रेनर है जो हम लोग से बैटल करना चाहता है, जिसके पास है सैंड स्लैश, तो वाटर गन यूज़ करेंगे और सैंड स्लैश को हराने की कोशिश करेंगे। लाइट हाउस के अंदर कौन से पोकेमॉन मिलने वाले वो तो अभी तक पता नहीं है, और उसके साथ साथ कितने फ्लोर होने वाले वो भी पता नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से बाहर के बंदों ने डिस्क्रिप्शन दिया उसके साथ मुझे लगता है कि थोड़ा सा टफ ज़रूर होने वाला है। यहाँ पे मास्टॉम चला गया लेवल 24 के ऊपर, और हम लोग अभी आगे बढ़ जाते हैं और इस लैडर के ऊपर चढ़ लेते हैं। इस लैडर के ऊपर चढ़ने के बाद आपको कुछ भी चीज़ें यहाँ पे नहीं मिलने वाली, तो हम लोग को फिर से नीचे जाना पड़ेगा और चैलेंज करना पड़ेगा इस बंदे से। डिफीट तो नहीं खाने वाले, क्योंकि स्टार्टिंग में ही हम लोग को राइवल ने 2 बार डिफीट दे दी थी, तो उसके बाद थोड़ा सा सीख लिया हूँ। यहाँ पे आपको अनदर मास्टॉम दिख रहा है, तो यहाँ पे मास्टॉम वर्सेस मास्टॉम जरूर होने वाला है, लेकिन उसके मास्टॉम पे पास है द मड शॉट, तो मड शॉट थोड़ा सा इफेक्टिव जरूर रहेगा हमारे मास्टॉम के खिलाफ। तो यहाँ पे मैं काइंड ऑफ थोड़ा सा वीक जरूर गिरने वाला, मुझे लगा ही था ये चीज़, और इसी के साथ हमारा मास्टॉम चला जा चुका है। तो हम लोग चैम्प को यूज़ करेंगे और मार्क पंच, और उसके बाद अनदर मार्क पंच, और इसी के साथ सामने वाला जो मास्टॉम है वो भी चला जा चुका है। उसके साथ साथ हमारा जो मॉन्टेनो है वो चला जो कि लेवल 19 पे सीख रहा है फ्लेम बिल्स उसको सिखा दी है। अभी हम लोग जाते हैं सीधा पोकेमॉन सेंटर के अंदर, क्योंकि आपको भी पता है मास्टॉम जाने के बाद चैंप इतनी अच्छी चीज़ें नहीं सहन कर पाएगा, उसके पास इतने लेवल नहीं है। डिटो और पॉरीगॉन तो अभी बच्चे हैं, उनको भी अच्छा खासा लेवल इंक्रीमेंट करवाना पड़ेगा। तो एक और चीज़ बच जाती है कि देखा जाए तो अगर मेरे मास्टॉम के पास अगर आगे जाके सर्फ अटैक आ जाता है तो वो सबसे ज़्यादा पावरफुल हो सकता है फिलहाल मेरी टीम के अंदर। मैंने रूबी के अंदर भी मास्टॉम यूज़ किया था, स्वम्पर्ट हुआ था, इवॉल्व, और इसके पास था सर्फ, मड शॉट और मडी वाटर,
उसके साथ साथ था उसके पास अर्थक्विक। तो एक अर्थक्विक वाला जो कॉम्बो है, एक अर्थक्विक वाला जो अच्छा खासा अटैक अगर मुझे मिल जाता आज के एपिसोड के अंदर तो बहुत बड़ी बात होगी, जो मुझे ऐसा लगता है मिलने वाला है, क्योंकि ग्राउंड टाइप के पास मोस्टली डिग, अर्थक्विक और उसके साथ साथ आपके पास मैग्नीट्यूड कोई देता ही नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग को नीडोकीन दिख रहा है जिसके खिलाफ हम लोग बैटल करने वाले हैं, और वाटर गन अच्छा खासा काम कर रहा है एज कम्पेयर टू बाकी की चीज़ें, और ये सुपर इफेक्टिव मूव था। चैम चला गया लेवल 20 के ऊपर, और यहाँ पे आ रही है नीडो क्वीन जिसने कर दिया है पॉइजन हमारे स्वाम थिंग को। तो आपको पता ही है कि वाटर प्लस ग्राउंड टाइप है और उसकी कमजोरी है पॉइजन टाइप। डेफिनेटली ग्राउंड टाइप पोकेमॉन जल्दी से जल्दी पॉइजन होते हैं शायद से, लेकिन वाटर टाइप जरूर हो जाते हैं जल्द से जल्द पॉइजन। और यहाँ पे चैम भी पॉइजन हो चुका है, फ्लेम बिल ने अपना काम कर दिया है, चैम चला गया लेवल 21 के ऊपर। और अभी हम लोग पहले हील करेंगे, उसके बाद मैं चैलेंज करने वाला हूँ द जिम लीडर को। शायद से लाइट हाउस के लेवल के हो गए रहेंगे हमारे पोकेमॉन, एटलीस्ट मार्स्टॉर्म हो गया रहेगा, लेकिन हम लोग को लेवल इंक्रीमेंट करनी पड़ेगी, थोड़ी सी ट्रेनिंग जरूर करनी पड़ेगी, और ये ट्रेनिंग जो है वो बीच के गैप जो है हमारे फिलअप करने में सबसे ज़्यादा हेल्प कर सकती है। अभी हम लोग सीधा जाएंगे हर्ट के अंदर। हमारे पास लास्ट एपिसोड के अंदर कुछ भी पैसे बचे नहीं थे, लेकिन इस एपिसोड के अंदर हमारे पास 3000 रुपीज़ है। एंडिंग में अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था हम लोगों को, क्योंकि अभी भी हम लोग ने अच्छे खासे बैटल्स किए इन प्यादों के साथ, उन्होंने भी कुछ पैसे दिए, और एंडिंग में लास्ट एपिसोड के एंडिंग के अंदर भी हम लोगों को कुछ भी नहीं मिला था, मतलब उसके अंदर ऑलमोस्ट 103 पोकेकॉइंस बचे थे, लेकिन आज के एपिसोड में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है। अभी 3000 रुपीज़ थे, लेकिन हम लोग फिर से एक बार आ चुके हैं 200 के अंदर। तो गरीबी जरूर छाई हुई है, लेकिन पोकेमॉन्स के लिए सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, आपको सारी चीज़ें बाय करनी पड़ेगी। और इसके साथ हम लोग थंडर बोल सिखाने वाले हैं एक एक्स्ट्रा मेंबर को जो है हमारा पॉरीकॉन। तो आप बोलोगे कि पॉरीकॉन तो आगे भी यूज़ करने वाला है कि नहीं करने वाला, देखते हैं, क्योंकि फिलहाल इस गेम के अंदर आपको वेरियस काइंड ऑफ पोकेमॉन जरूर मिलने वाले हैं, तो सजेशंस के ऊपर भी डिपेंड करता है। पॉलीगॉन एक सजेशन नहीं है, अगर आप कोई सजेस्ट करते हो तो डेफिनेटली उसको भी कैप्चर करूंगा। फिलहाल शिंक्स का सजेशन फिलहाल पेंडिंग के अंदर पड़ा हुआ है, लेकिन उस बंदे ने मुझे बताया था कि मैग्नेमाइट भी पकड़ सकता हूँ, तो मैग्नेमाइट का सॉल्यूशन है मेरे पास, लेकिन शिंक्स का सॉल्यूशन फिलहाल नहीं है। तो देखते हैं, अगर शिंक्स मिल जाता तो अच्छी बात होगी। ये है टेरी शायद से, और ये है इस सैनिटी आइलैंड का जिम लीडर। इसके पास आपको ग्राउंड टाइप में मिलने वाले हैं, ये एक खोज करता है, और इसको बहुत ही गंदा हिंदी में बोल रहा हूँ मैं, लेकिन यहाँ पे ग्लाइगर है, और ग्लाइगर को हम लोग ने इजीली डिफीट कर दिया है। यहाँ पे आने वाला है विब्रावा, तो चैम्प को यूज़ करेंगे। विब्रावा जल्द से जल्द फायर पकड़ लेता है, और यस डेफिनेटली यहाँ पे वो बंद हो गया है। तो जो थोड़ा पोके नॉलेज है उसको मैं काइंड ऑफ आपसे भी शेयर करना चाह रहा हूँ, तो इसके वजह से मुझे थोड़ा थोड़ा पता है कि कौन से पोकेमॉन जल्दी बर्न हो सकते हैं, कौन से पोकेमॉन जल्द से जल्द पॉइजन हो सकते हैं। वाटर टाइप तो जल्दी पॉइजन हो जाते हैं, उससे डरने की बात भी नहीं है। अगर आपके सामने वाटर टाइप है और पॉइजन टाइप यूज़ कर रहे हो तो डेफिनेटली भाई, क्योंकि मैंने जो बटरफ्ली यूज़ किया था उस टाइम पे तो बटरफ्ली ने पूरा तबाही मचा दी थी, मतलब यार जो एलिट 4 के फर्स्ट के पास, क्योंकि उसके पास भी आइस बीम थे, अटैक थी, बग अटैक, मतलब बक्को टाइप को हरा सकती थी वो, लेकिन जो अच्छे खासे कॉम्बोज मैंने यूज़ किए थे उस टाइम पे बटरफ्ली के साथ, तो बहुत ही अच्छी बैटल हुई थी। उसके साथ साथ ब्रीड्रिल भी था, तो बटरफ्ली और ब्रीड्रिल ने अच्छा खासा कॉम्बो दिया था, और वो एकदम मेजमराइजिंग मैच थी। मर्ड स्पॉट सीख रहा है, जो मैं फिलहाल सिखाने चाहता हूँ हम लोग को, मर्ड शॉट चाहिए, मर्ड स्पॉट नहीं। मर्ड स्पॉट से इलेक्ट्रिसिटी जो अटैक है उनकी काइंड ऑफ जो पावर है डिवाइड बाई 2 हो जाती है, तो सुपर पोशन रिवाइव लाने का कुछ तो कुछ फायदा होने वाला है हम लोगों को। यहाँ पे मैग्नीट्यूड 6 इसी के साथ मार्स्टॉर्म चला जा चुका है, तो रिवाइव करेंगे जरूर मार्स्टॉर्म को डिट्टो की हेल्प से, और डिट्टो का सेक्रीफाइस जरूर होने वाला है, लेकिन अच्छा खासा सेक्रीफाइस यहाँ पे होने वाला है। स्वाम थिंग उन्होंने रिवाइव कर दिया है, चैम को भी सोच रहा था, लेकिन बैटल फटाक से रैपअप कर देते, पता नहीं कब ये बैटल का मोड कहाँ से कहाँ पे चला जाए। यहाँ पे रेड पर्सिंग का कुछ भी यूज़ नहीं होने वाला, और हम लोग ने हरा दिया है फैम्पी को, इसी के साथ हम लोग ने हरा दिया है जिम लीडर टेरी को। तो स्टार्टिंग में लग रहा था कि काइंड ऑफ ये बैटल थोड़ी सी डिफिकल्ट होने वाली है, लेकिन वैसे वाली बात नहीं थी। हम लोग को मिल चुका है तो डर्ट बैच, और अभी लेवल 30 तक के सारे पोकेमॉन हम लोग को अभी कर सकते हैं। TM26 मतलब है अर्थक्विक। तो मुझे जैसे लगा था, मैंने जैसे सोचा था, उस हिसाब से सारा गेम चल रहा है फिलहाल, लेकिन आगे जाके कुछ चीज़ें चेंज ना हो जाए, क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा सा डगमगाया था मैं, क्योंकि राइवल के साथ बैटल हुई थी और हम लोग हार गए थे, लेकिन ट्रेनिंग के बाद धीरे धीरे करके मैं खुद को पंपअप करने की कोशिश कर रहा हूँ। और अभी हम लोग स्वाम थिंग को अर्थक्विक अटैक सिखाने वाले हैं। तो फिलहाल मुझे सर्फ चाहिए, मडी वाटर चाहिए, और मर्ड शॉट चाहिए, और एक अर्थक्विक तो मिल ही चुका है। तो ये सारी चीज़ें तो जरूर फ्यूचर के अंदर मिलती जाएंगी, और हम लोग ये सारी चीज़ें कैप्चर करते रहेंगे। तो अभी जो मेरा मेन प्लान है वो है लाइट हाउस का, या फिर हम लोग जा सकते हैं टॉबेस्को बे की तरफ, लेकिन हम लोग फिलहाल लाइट हाउस की तरफ जाएंगे। अगर लाइट हाउस के बैटल को क्लियर कर देते हैं तो सैनिटी आइलैंड के सारे मिशन क्लियर हो सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग को ट्रेनिंग की जरूरत लगने वाली है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर ट्रेनिंग जरूर करेंगे। रेयर कैंडी मैं फिलहाल यूज़ नहीं करने वाला, मैं सोच रहा हूँ रेयर कैंडी अगर ज़्यादा ही डेस्परेट मोमेंट रहे तो रेयर कैंडी यूज़ करूँगा, लेकिन आज के एपिसोड के लिए इतना ही। हम लोग जाएंगे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर लाइट हाउस को चैलेंज करने के लिए, देखते हैं कैसे होता है। अगर लेवल नहीं बढ़ पाते उस दिन तक तो हम लोग टॉबेस्को बे से सीधा आगे बढ़ेंगे।
जाएंगे, लेकिन वो चीज़ मैं नहीं करूँगा डेफिनेटली। आज का एपिसोड अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर दीजिएगा, सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और उसके साथ साथ कुछ गेम प्ले सजेस्ट करना चाहते हो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर सजेस्ट कर सकते हो, और नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिएगा, उसके वजह से आपको मेरे चैनल पर जो भी मैं नया वीडियो डालूंगा उसके अपडेट मिलते रहेंगे। मैं हर रोज़ ऑलमोस्ट वीडियोस डालते रहता हूँ मेरे चैनल के ऊपर, तो ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। ऐसे पोकेमॉन कंटेंट, ऐसे एनिमी गेमिंग कंटेंट और अलग अलग टाइप का गेमिंग कंटेंट आते रहता है कंटिन्यूस। पोकेमॉन कंटेंट फिलहाल थोड़ा सा ट्रेंडिंग में चल रहा है, मतलब मेरे जो सपोर्टर्स हैं, मतलब यार तुम भाई लोग, यार तुम लोग मुझे बोल रहे हो पोकेमॉन गेम्स खेलने के लिए, तो ज़रूर खेल रहा हूँ मैं, और ऐसे कंटिन्यूस खेलते रहूँगा जो जो सजेस्टेड गेम प्ले आते रहेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ऑसम से पोकेमॉन ग्लेज़िंग के ग्लेज़ एपिसोड के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय।